विश्वेशम सच्चिदानंदम वंदेहम योखिलम जगत चरी करती बरी भरती संजरी हरती लीलया। सर्वेभ्यः नमस्करोमि अहम् अहमस्मि मंथन भट्टः। अधुना वयम् फिजिक्स पश्यामः। पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, राइट? और वो कितना था? म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। अगर नहीं देखा है तो उसे देखो, उसे देखकर रिवाइज करो, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेंगे तो ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, जब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। सो दिस वॉज द डेरिवेशन, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, वो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए था। अभी कोई एक कंडक्टिंग मटेरियल है, उसके ऊपर हम वाउंडिंग कर रहे हैं। वाउंडिंग यानी घुमा रहे हैं कॉइल को, कॉपर का वायर है, कॉपर के वायर को घुमा रहे हैं। एन टर्न्स है, एन टर्न्स मतलब एक सिंगल सर्कुलर लूप होगा तो वो होगा वन टर्न, टी यू आर एन। लेकिन वो ऐसे 10 बार, 15 बार, 40 बार, 200 बार, ऐसे बहुत सारे टर्न्स होते हैं कॉइल में, पंखे में, और ऐसे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस या तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में तो बहुत माइन्यूट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक डिवाइस माइक्रोस्कोपिक जो होते हैं उसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, 5000 टर्न्स, 2000 टर्न्स, ऐसे बहुत सारे वाउंडिंग्स होते हैं कॉपर के, ठीक है? तो वैसे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में अगर आप देखेंगे अंदर तो आपको मिलेंगे, जनरली कॉपर ही होता है, ऑरेंज कलर का होता है, कोई थिन वायर होगा, कोई थिक होगा, लेकिन मोस्टली कॉपर मैंने देखा है। अगर आपको कोई दूसरा वायर पता चले तो बताइएगा, बट मोस्टली जनरली कॉपर यूज करते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो वो सोलेनॉइड है कि समझो एक कंडक्टिंग मटेरियल है, उसके ऊपर हम वाउंडिंग कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। सो नाउ वी हैव अ सोलेनॉइड इन फ्रंट ऑफ अस, सो दिस इज द लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड, मतलब जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो इतनी लेंथ का है, एल मीटर का है। उसके ऊपर हमने यहाँ से शुरू किया और ऐसे वाउंडिंग करते गए और वाउंडिंग करते गए करते गए करते गए और बाहर निकाल दिया। यहाँ से करंट आई जा रहा है बाय सम एक्सटर्नल सोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड हो रहा है इसको, और आई करंट जा रहा है, और वो आई करंट कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। एक टर्न में से कितना करंट जाएगा? आई। एक टर्न में से कितना करंट जाएगा? आई। लेकिन वो पूरा होने तक कब तक घूमेगा? आई, टू आई, थ्री आई, फोर आई, ऐसे जितने टर्न्स होंगे उतने बार वो करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब एन इंटू आई, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स। और यहां पर हमने एम्पेरियन लूप जो बनाया है वो रेक्टेंगल बनाया है, ये जो है ये हमारा एम्पेरियन लूप है। ये जो येलो डॉट लाइन देख रहे हैं ना, पी क्यू आर एस, ये क्लोज एम्पेरियन लूप है, पी क्यू आर एस पी, पी क्यू आर एस पी, ये क्लोज्ड एक एम्पेरियन लूप है, ये जो येलो डॉट से रेक्टेंगल बनाया है वो। तो नाउ वी नो दैट न्यू अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इन। अभी इसका मतलब और महत्व समझेगा कि आई इन, इन क्यों बोलते हैं, इन साइड क्यों बोलते हैं, गेटिंग इट? सो एंड ये बी बार डॉट डी एल बार जो है वो क्लोज इंटीग्रल है, बरोबर? अभी हमने एम्पेरियन लूप किसको कंसिडर किया है, ये पी क्यू आर एस पी, पी क्यू आर एस पी, इसको हमने क्लोज एम्पेरियन लूप कंसिडर किया है, तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा बी और डी एल के बीच में। अभी बी मैं आपको बता दूं कि देखो बहुत सिंपल है, राइट हैंड थंब रूल है। पिछले लेक्चर में हमने जब इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए डिराइव कर रहे थे तब मैंने राइट हैंड थंब रूल समझाया था कि अगर थंब करंट रिप्रेजेंट करता है तो कर्ल्ड फिंगर रिप्रेजेंट करेगी क्या? मैग्नेटिक फील्ड। अगर कर्ल्ड फिंगर करंट रिप्रेजेंट करता है, कर्ल्ड फिंगर करंट रिप्रेजेंट करती है, तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो सिमिलरली इधर देखो, करंट देखो कैसा आ रहा है, ऐसा ऐसा अपने सामने कॉइल अज्यूम करो, ऐसा कॉइल है और करंट कैसा आ रहा है आपके सामने, ऐसा ऐसा आ रहा है ना, आपकी तरफ आ रहा है एरो। तो अगर यहां पर मैं कर्ल्ड फिंगर करूं, ऐसे 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 जो करंट है उसमें अगर मैं ऐसे कर्ल्ड फिंगर करूं तो थंब आएगा राइट साइड, आप जो देख रहे हैं ऐसे, आपके मेरे भी राइट साइड ऐसे अगर देखे तो, और आप जो व्यूअर्स है, आप जो स्टूडेंट्स है, आपके भी राइट साइड। तो अगर ऐसा करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बी बार, वो मैंने बताया, विच इज अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड, ये मैंने बता दिया है। अभी ये जो LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड है ना, एम्पियर्स लॉ की, एम्पियर सर्किट लॉ की, बी बार डॉट डी एल बार, उसको स्प्लिट करते हैं चार पार्ट में।
पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से पी में, ऐसे चार पार्ट में स्प्लिट करते हैं। सो ये क्लोज इंटीग्रल हो गया पी टू क्यू, क्यू टू आर, आर टू एस और एस टू पी, और चार पार्ट में स्प्लिट अप तो कर दिया और बाद में जोड़ दिया, मतलब ऐड कर दिया, पर्पसली हमने किया है ताकि वो आसान हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए जो भी हमें एनालिसिस करना है। और आर एच एस में देखो, आर एच एस में म्यू नॉट है, अभी आई इन कितना होगा ये मैंने बताया, दोहराता हूं कि एक कॉइल में, एक टर्न में कितना करंट है भाई, आई, तो ऐसे एक दो तीन ऐसे एन टर्न्स होंगे तो कितना करंट जाएगा, ये क्यू आर एस जो है कितना करंट एनक्लोज कर रहा है, आई इन कितना है, एन इंटू आई, कितना है एन इंटू आई। जब इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की बात की थी और आजू बाजू जो लूप था एम्पेरियन लूप, वो एक ही करंट कंसिडर कर रहा था, एक ही करंट कंटेन कर रहा था वो, जो था आई, इसमें जो है वो एन इंटू आई हो गया, मतलब एक टर्न में से कितना जा रहा है आई, तो ऐसे एन टर्न्स में से कितना जाएगा एन आई। मैग्नेटिक फील्ड है इस बाजू जो ऑरेंज पिंक चौक से रिप्रेजेंट की है, निर्देशित की है कि मैग्नेटिक फील्ड इस बाजू है। फिर छोटा छोटा लाइन इंटीग्रल भी लेना पड़ेगा ना, ए डी एल, तो ले लेते हैं एक डी एल ये बाजू ले लेते हैं, ये डी एल, और वो किधर होगा, अलोंग द पी टू क्यू, क्यू टू आर, जो पाथ हम ट्रावर्स कर रहे हैं, ट्रावेल कर रहे हैं, तो उस पाथ के अलोंग होगा, तो ये हो गया डी एल किसका, पी टू क्यू, ये हो गया क्यू टू आर, तो उसका एक छोटा एलिमेंट ले लेते हैं, ये हो गया किसके लिए, क्यू टू आर, इसके लिए ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आर टू एस, एक छोटा छोटा एलिमेंट ले रहा ना, ये डी एल डी एल डी एल डी एल, इधर भी एक ले लेते हैं एलिमेंट एस टू आर, और बी बार डॉट डी एल बार होता है बी डी एल कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट, तो बी डी एल कॉस थीटा, चार अलग अलग है, पी टू क्यू, क्यू टू आर, आर टू एस, एस टू पी, अलग अलग एनालिसिस करते हैं, सिंपल हो जाएगा, सिंपलर हो जाएगा, है तो सिंपल ही। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द एक्सिस, और पी टू क्यू जब जाना है, पहला एक दो तीन चार में जो पहला है उसके लिए बी, और ये क्या है डीएल, मतलब डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, जीरो, थीटा अगर जीरो हो गया तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये जो लाइन इंटीग्रल है सिर्फ इतना बच जाएगा बी इंटू डी एल, कॉस जीरो कितना हो गया वन, और ये कहां से कहां के लिए, पी से क्यू के लिए, ऐसा मिल गया। वापस बताता हूं, सिंपल है, एक दो तीन चार, चार पार्ट में स्प्लिट किया, किसको, एम्पियर्स सर्किटल लॉ के एलएचएस को, आरएचएस है उधर, आई इन जो है उसको एन इंटू आई लिखा, क्योंकि एक टर्न में से करंट जा रहा है आई, तो एन टर्न में से कितने करंट जाएंगे, Ni, टोटल कितना करंट जाएगा n into i, और वो इसीलिए सफिक्स इन लिखा होता है, गॉस लॉ में भी हम q इन लिखते हैं कि जो गॉसियन सरफेस है वो कितना चार्ज एनक्लोज करता है। सिमिलरली ये जो एम्पेरियन लूप बनाया है PQRSP, क्लोज्ड रेक्टेंगुलर एम्पेरियन लूप इमेजिनरी है, वो कितना करंट एनक्लोज कर रहा है, तो n into i एनक्लोज कर रहा है, ये होता है मीनिंग, ये n in जो है उस सफिक्स का। फिर हमने चार पार्ट में स्प्लिट कर दिया, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी, सिंप्लीफाई हो जाए इसलिए, यहां पर एंगल निकाल दिया, जब पी क्यू फर्स्ट जा रहे थे पी से क्यू, तो पी क्यू की तरफ ये डी एल बार इधर, बी बार इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल जीरो, कॉस जीरो वन, बच गया बी इंटू डी एल। दूसरे पे जाते हैं, दूसरा डी एल वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही होगी भाई, सोलेनोइड एक ही है, वाउंडिंग्स इधर ही की है, आप किधर भी जाओ, आप किधर भी घूमो, कोई भी इमेजिनरी सरफेस बनाओ, मैग्नेटिक फील्ड तो अलोंग एक्सिस ही होने वाली है। तो यहां पर जब स्मॉल एलिमेंट डीएल लेंगे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे एक दूसरे से, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, बहुत सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड बी बार और ये डीएल बार, ये जो डीएल बार ऊपर के डायरेक्शन में है क्यू टू आर, ये दोनों कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। थीटा कितना हो गया, 90 हो गया, और थीटा अगर 90 हो गया तो कॉस 90 कितना हो गया, जीरो हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, तो क्या ऐड करेंगे, बस जीरो ऐड करेंगे, ठीक है। सोलेनोइड की एक्सिस पे ही मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वो डिमिनिश होते जाएगी, वो उसका रीजन जो है, उसकी रेंज जो है मैग्नेटिक फील्ड की, वहां पर नहीं होगी, उसका कुछ
पर्टिकुलर रेंज होता है ना, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। तो इसका भी कुछ रेंज होगा, एक्सिस से बहुत दूर जाओगे 500 सेंटीमीटर 600 सेंटीमीटर तो नहीं, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक उसका इफेक्ट होगा। और ऐसे भी अगर जाओगे तो अगर बहुत ही दूर चले गए तो ये एस आर 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 एस जो है आर टू एस वो बहुत ही दूर है ये एक्सिस से, तो उधर ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी निगलेक्टेड, ऑलमोस्ट वहां पर जीरो होगा। तो इसीलिए आर टू एस जब जा रहा है उसको भी निगलेक्ट कर रहा है, ये डी एल और बी के चक्कर में मत पड़ो कि कितना है एंगल, जाने दो वो बहुत ही दूर है, पर्पसली उसको दूर बनाया है। नजदीक बनाते हैं तो वो एक्सिस के जितना ही होता ये पूरे रीजन में, ये भी एक्सियल पार्ट ये भी एक्सियल पार्ट है, इसीलिए दूर बनाया ताकि ये पार्ट को एम्पियर इन लूप में भी बहुत ही कम होगा ऑलमोस्ट जीरो होगा निगलेक्ट कर दे। ये हो गया दूसरा एनालिसिस, ये हो गया, ये हो गया, ये तो हो ही गया लिखा मैंने। अब इसकी बारी एस टू पी, एस टू पी आ रहा है नीचे आ रहा है, तो ये हो गया भाई क्या हो गया डीएल हो गया, और बी तो इधर है हॉरिजॉन्टल है अलोंग द एक्सिस है, इधर भी दिख रहा है क्लियर थीटा कितना 90 परपेंडिकुलर है, कॉस 90 कितना हो जाएगा जीरो, तो ये भी हो गया जीरो। तो भाई एक दो तीन चार, चार टर्म थे बचे एक, आप बोलेंगे इधर भी एक दो तीन चार, हाँ चार टर्म है लेकिन ये जीरो 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 फाइनल तो जीरो ही आना है, तो बस एक ही टर्म बच गया पी से क्यू बी इंटू डीएल अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनोइड, और आरएचएस में लिखेंगे म्यू नॉट एन आई। बस अभी बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स था लेकिन हमने सिंप्लीफाई कर दिया और अभी बहुत ही सिंपल हो गया, एक ही टर्म दिख रही है, बी को बाहर निकालेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल करेंगे इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, वेर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज इक्वल्स टू करंट, जो इनपुट करंट है वही आउटपुट करंट आया बाहर, और नंबर ऑफ टर्न्स हर एक टर्न्स में से वही आई करंट जाएगा। अभी डीएल जो है वो कहां से कहां के लिए लेंगे, पी से क्यू के लिए। अभी जो छोटा एलिमेंट बनाया था हमने, ये जो छोटा एलिमेंट बनाया था डीएल 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 ऐसे, वो सबको अगर जोड़ दे इंटीग्रेशन कर दे तो आएगा कितना, जो ये लेंथ है उतना आएगा, लेंथ ऑफ सोलेनोइड के जितना आएगा, बरोबर ना, जब आप छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ते जाएंगे तो ये लेंथ है उतना आएगा, ठीक है। तो ये डीएल की जगह पर हम लिखेंगे बी इंटू कैपिटल एल, जो कितना हो गया म्यू नॉट एन आई, हमको तो बी चाहिए, तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय एल, इसको हम लिखेंगे मुन्नी म्यू नॉट एन आई, क्या लिखेंगे मुन्नी म्यू नॉट एन आई, और जो थर्ड होगा ना टोरॉइड उसका भी यही एक्सप्रेशन आएगा मुन्नी म्यू नॉट एन आई, वेर एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ध्यान में रखो कैपिटल एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक रेफर करोगे बोर्ड के एचएससी के लिए तो उसमें सब उल्टा पुल्टा है, उल्टा पुल्टा यानी इधर उन्होंने स्मॉल एन लिखा है इधर कैपिटल एन लिखा है, मैं वो फॉलो नहीं कर रहा, मैं वो फॉलो कर रहा हूं जो पूरे फिजिक्स में हम जनरली करते हैं, ये चैप्टर के लिए अलग ऐसा नहीं, कोई भी चैप्टर हो हम स्टार्टिंग से स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए यूज करते हैं, जनरली यही किया है सब लेक्चर में, स्मॉल एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, तो इधर भी मैंने वही रखा है और कैपिटल एन को लिखा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैंने समझा दिया टर्मिनोलॉजी क्या है, फिर आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करो, इधर कैपिटल एन लिख के इधर स्मॉल एन लिखो के जो लिया है उसके हिसाब से चलो, इधर स्मॉल एन लिख के इधर कैपिटल एन लिखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बस बता दो कि ये है क्या, इधर अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी लिखो, बस बता दो कि जो स्पेसिफाई है वो मैंने जो सिंबल यूज किया है वो किसके लिए यूज किया है, एन टर्न्स की जगह पे लिखते हैं अल्फा टर्न्स बीटा टर्न्स कांस्टेंट, कुछ भी लिख सकते हो यू हैव लिबर्टी, बट जनरली जो प्रोसेस है उस हिसाब से जाते हैं तो सिंप्लीफाई हो जाती है चीजें, समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। तो टेक्स्ट बुक का और ये अलग है, अलग है लेकिन गलत नहीं है, समझे बात, ये एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स है और ये कैपिटल एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, टर्मिनोलॉजी को समझो सही से, एन टर्न्स एल इज अ लेंथ एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज कैपिटल एन दैट इज म्यू नॉट कैपिटल एन आई मुन्नी, ये है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड।
और टोरॉइड का भी जो एक्सप्रेशन होगा वो भी यही होगा, उसका भी एनालिसिस इसी से स्टार्ट करेंगे, एम्पियर्स लॉ से, उसमें भी एम्पियरियन लूप बनाएंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो अगले लेक्चर में देखते हैं। तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदेजति तन्नयति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः।